गाइस वेलकम टू गाइस टॉपिक चैनल वेलकम बैक टू द लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं एक नया लेटेस्ट चीज जिसकी मदद से आप जो है MRT 3.26 को विदाउट डोंगल विदाउट की एंड किचन एंड लोडर के बिना यूज कर पाओगे। तो कैसे करना है क्या करना है इस वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है MRT 2.6 को फ्री में यूज करने के लिए तो इस वीडियो पूरा देखो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पास वाले बेल आइकन को दबा देना। वीडियो अच्छा हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको जो ये दो फाइल का लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ से जाकर इस दो फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इन दो फाइल को एक्सट्रैक्ट भी कर लेना है। देखो दो फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इस ओपन करने के बाद रिलीज पे चले जाना है, 132 पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ से जो है इस प्रोग्राम को डबल क्लिक करके रन कर लेना है। रन करोगे तो यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको इस फोल्डर आइकॉन पर क्लिक करना है एक बार। इसके बाद जो फाइल आपने एक्सट्रैक्ट किया MRT 3.26 का उसको चूज़ कर लेना है। देखो मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही चूज़ कर लिया उसके बाद ऐसा कुछ डायलॉग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो करना है इसको प्रेस करना है एक बार। देखो यहाँ पे पॉज दिख रहा है और एक बार प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो जो आपका जो MRT 3.26 है वो रन हो जाएगा और ये शो करेगा। जैसे ही शो करता है यहाँ पे जो है पॉज बटन पे प्रेस कर देना। पॉज कर दोगे और आपको ये जो लाइन है इसको ढूंढ लेना है 01198 7DO, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, तीन ही लाइन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस वाले लाइन से स्टार्ट होता है। आप जब यहाँ पे पॉज करोगे यहाँ पे ये जो पॉज है इसीलिए यहाँ पे ये दिख रहा है, तो उसके ही दो तीन चार लाइन में ढूंढ लेना। ये जो नंबर है ये आपको मिल जाएगा 01001987DO, ठीक है। इसको राइट क्लिक करना है एंड फॉलो डीओआर इन डिसेंबलर में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है इसको पॉज कर देना है डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करके जैसे ही पॉज करोगे तो ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया। यहाँ पे जो है इसको हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो फाइल है इसको हम एडिट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे जो एक और डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम JMP लिख देना है, JMP, ठीक है, JMP लिख देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे हो जाएगा क्लिक। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है एंड प्रोग्राम को फिर से रन कर देना है। जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक्सेस वायलेशन एट एड्रेस F7FFC7340 एंड रीड एड्रेस। तो यहाँ पे जो है ये एक्सेस वायलेशन दिखाएगा, आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे MRT 3.26 जो है वो आपके PC में रन हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। ये देखो काम कर रहा है। अब इसमें जो है हुआई फ्लैश टूल इसमें काम नहीं करेगा, हुआई अनलॉक टूल भी इसमें काम नहीं करेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये फिर से दिखाएगा आपको MRT डोंगल नॉट फाउंड, प्लीज मेक श्योर यू हैव टू कनेक्ट इट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, MRT का फोल्डर जो है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हुआई अनलॉक टूल को कैसे यूज़ करना है फ्री में। तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है आपके पास, इसको ओपन करना है, 64 GB में जाना है, इसके बाद रिलीज में जाना है, 132 में जाना है, यहाँ से जो है इसको रन कर देना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रन कर देना है। ऐसे रन करोगे फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है MRT 3.26 को ओपन करना है, डेटा पे चलना है एंड हुआई अनलॉक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा कोड्स दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करना है दो बार, ठीक है। जैसे दो बार क्लिक करोगे हुआई टूल जो है रन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखाएगा MRT डोंगल नॉट फाउंड, प्लीज मेक श्योर यू हैव कनेक्टेड। इसको यहाँ पे पॉज कर देना है।
पॉज करने के बाद ये वाला लाइन आपको ढूंढ लेना है। ये पॉज का ये जो हमने यहाँ पे जो है इसको पॉज किया है, इसी का ही दो तीन लाइन चेक करना है। इस वाले इस कोड दिख जाएगा, इस कोड को दिख जाएगा, आपको इस कोड पे राइट क्लिक करना है एंड फॉलो डी ऑड इन डी असेंबलर में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये डायलॉग आ जाएगा। ये जो 1900 वाला जो लाइन है, 1900 वाला जो लाइन है, इसको डबल क्लिक करके ब्रेक लगा देना है। जैसे ही ब्रेक लगा दोगे तो आपके प्रोग्राम रन हो जाएगा यहाँ पे रन करने के बाद। ठीक है, ये देखो फिर से हीरो आ गया, एक्सेस वायलेशन, क्योंकि मैंने हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे हीरो आया है। इसके बाद ओके प्रेस करना, आपके टूल जो है ओपन हो जाएगा। ये कुछ आसान प्रोसेस है, इतना हार्ड भी नहीं है। आपको प्रोसेस फॉलो करना है, जब भी आप MRT स्टार्ट करोगे तब ही आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। MRT 3.26 का जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको पास ये प्रोसेस फॉलो करना है, और इसको जो है x64 DBG सॉफ्टवेयर से ही रन करना है। ये एक सिंपल बाईपास मेथड है, आपको जो है क्रैक और कीजन और लोडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको फ्री में यूज़ भी कर पाओगे। ठीक है, एक बाग है जो सॉफ्टवेयर में, सारे जो सॉफ्टवेयर आता है उस सारे सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। सिक्योरिटी ब्रेक जो है इसका, MRT का सिक्योरिटी कुछ ब्रेक है, जो बग है सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए हो रहा है। कब तक फिक्स हो जाए कुछ पता नहीं, शायद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में फिक्स भी कर दें। तो वीडियो बस इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।